वेलकम टू डीजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज के टेक न्यूज को मेरा पूरा देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइए। तो आज का टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है, इंडियन गवर्नमेंट ने जूम ऐप को सबसे पहले तो ये बोल दिया था कि ये सेफ नहीं है, इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एम्प्लॉय इसे यूज नहीं करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इंडियन गवर्नमेंट ने सभी ऐप डेवलपर को एक कॉन्टेस्ट दिया था कि वो जूम ऐप के ऑल्टरनेटिव को लॉन्च करें जल्द ही और अपने आइडियाज को सबमिट करें, जिसका आइडिया विजेता होगा उनको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा और 30 अप्रैल तक का ही लास्ट डेट है। अब तीसरी पॉइंट ये है कि जो भी डेवलपर से ऐप को परचेज करेगा इंडिया गवर्नमेंट, उसका नाम रखा जाएगा नमस्ते। नमस्ते वीडियो कॉलिंग टूल नाम तो डिसाइड कंपनी ने ही कर लिया है क्योंकि ये सिर्फ परचेस करेगा। MIUI 12 को स्पॉट कर दिया गया है, टीज कर दिया गया है। 27 अप्रैल को ये चाइना पे लॉन्च हो जाएगा MI 10 लाइट के साथ। इसमें आप देख सकते हैं डीमिंग वॉलपेपर का भी सपोर्ट है, डार्क मोड 2.0 है, जेस्टर्स हैं, बहुत सारे आपको शॉर्टकट्स और नए इनहेंस फीचर्स देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप ने नया स्टिकर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है टुगेदर एट होम। अब आप इस स्टिकर से चैट करके इस कोविड सिचुएशन पे यानी कि लॉकडाउन सिचुएशन पे इस स्टिकर का मजा उठा सकते हैं। ओप्पो का फाइंड X2 नियो को भी स्पॉट किया गया है 5G सपोर्ट के साथ, 765G इसमें प्रोसेसर रहेगा। वैसे तो डच वेबसाइट पे इसे स्पॉट किया गया है, ग्लोबल मार्केट पे अब ये कब तक आएगा या इंडियन मार्केट में अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। रिडमी का K30i को भी स्पॉट किया गया है। रिडमी के K30 पे का जो 5G वेरिएंट रहेगा उसमें आपको मीडिया टेक के तरफ से डायमेंसिटी का 800 सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। आपको मैं वन वर्ड पे अगर इस फोन को एक्सप्लेन करूँ तो रिडमी का जो K30 आया था फोन इंडियन मार्केट में, जो पोको X2 के नाम से आया था, वो फोन जो है एज इट इज सेम रहेगा। केवल प्रोसेसर को आपको निकाल के मीडिया टेक वाला प्रोसेसर फिट करके दे दिया जाएगा, बाकी लुक, डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, MAH, फास्ट चार्जिंग, कैमरा सेटअप, हर चीज सेम रहेगा और ये बिलो 20,000 के प्राइस टैग पे इंडियन मार्केट पे आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कोरोना वायरस का इंफॉर्मेशन अब अपने माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के सर्च बार में ही दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्च बार में ही अब आपको कोरोना वाला लिंक मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स ने एंड्रॉयड के लिए एक फीचर दिया है जो कि है स्क्रीन लॉक। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, आप आजकल फुल स्क्रीन वाला फोन आने लग गया है, आप फोन को देख रहे हैं, आपका साइड में कॉर्नर पे कहीं आपका हाथ टच हो जाता है तो वो बैक हो जाता है होम स्क्रीन, इसलिए आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए स्क्रीन लॉक का फीचर आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस गो 2 लॉन्च होने वाला है मई पे। इसमें 10.5 इंचीज की डिस्प्ले रहेगी और काफी कॉम्पैक्ट स्लिक डिजाइन के साथ ये मतलब टेबलेट आ सकता है। फेसबुक का 267 मिलियन अकाउंट हैक हो गया और हैक होके इनका डेटा डार्क वेबसाइट पे सोल्ड कर दिया गया है $542 पे। ये हाल है मतलब फेसबुक का। अब आप देख लीजिए आप अपनी डेटा कितनी शेयर करते हैं फेसबुक के साथ। नोकिया फोन ने भी यानी कि HMD ग्लोबल नोकिया ने भी ये बोल दिया है कि वो अपने फोन्स के 2 महीने की वारंटी को एक्सटेंड कर देंगे। जिनका फोन मार्च 15 से लेके मई 15 के बीच में एक्सपायर होने वाला था, उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है, उनकी फोन की वारंटी को 2-2 महीना बढ़ा दिया गया है। कैनन ने अपना नया DSLR कैमरा जो है EOS R5 इसे डेमोस्ट्रेट किया है। ये एक ऐसा पहला DSLR कैमरा होगा जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है बिना किसी क्रॉप्ड के। डुअल कार्ड का सपोर्ट है, इन बॉडी स्टेबलाइजेशन भी सपोर्ट दिया गया है इस पे, और भी ऐसे बहुत सारे नए फीचर्स हैं। 4K हैं, 120 KBPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। OnePlus 8 सीरीज लॉन्च होने के बाद अब इंडियन मार्केट पे OnePlus 7T Pro का प्राइस कट हो चुका है। अब इसकी प्राइस हो गई है 48,000 रुपीज, पहले इसकी प्राइस थी 54,000 रुपीज, यानी कि 6,000 का प्राइस कट मिला है इसे। सैमसंग ने कहा है कि वो अपने स्मार्ट वॉच जो है उसके लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ऐप को जल्द ही रिलीज करने वाले हैं, यानी कि BP ऐप।
गूगल ने के क्रोम ब्राउजर पे क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी पाने के बाद गूगल ने इसे जल्दी से अपडेट किया है सभी प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि पीसी के लिए और मोबाइल सभी प्लेटफॉर्म के लिए। Xiaomi का मी डिस्प्ले 1A मॉनिटर लॉन्च हो गया है। 23.4 इंचेस के साथ 60 हर्ट्स डिस्प्ले है, आईपीएस रेटिंग है और काफी अच्छी प्राइस रखी गई है। इसकी चाइनीज प्राइस है 699 चाइनीज युआन, यानी कि रफली 7,200 अगर आप इंडियन प्राइस पे इसे कन्वर्ट करते हैं तो। अगर ये इंडियन मार्केट पे आता है तो मैं इसे डेफिनेटली परचेस करूंगा और आपको इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी फुल रिव्यू जरूर दूंगा। पबजी मोबाइल का एक नया अपडेट 0.18.0 अपडेट 24 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। इसे अब आप इसे खेल सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। वैसे तो मैं पबजी मोबाइल कभी नहीं खेलता हूं, मैं किसी भी प्रकार का गेम नहीं खेलता हूं, केवल मैं पीसी पे गेम खेलना मुझे पसंद है। मोबाइल पे गेम हो या गेमिंग कंसोल पे हो मुझे ये पसंद नहीं है। MIUI 12, MI 10 Lite 5G वेरिएंट ये चाइना में लॉन्च होने वाला है 27 अप्रैल को। अगर आपको मैं इंडियन टाइम बताऊं तो सुबह के 11:30 बजे 27 तारीख को ये फोन लॉन्च हो जाएगा। व्हाट्सएप पे अब आप 8 लोगों का के साथ ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं। ये फीचर आपको व्हाट्सएप के बीटा यूजर पे मिल चुका है। अगर आप बीटा यूजर हैं तो आप जाके इसे चेक कीजिए। व्हाट्सएप ने ये चीज इसलिए किया है ताकि वो जूम और गूगल डियो ऐप को टक्कर दे सके। आईफोन 12 प्रो के कुछ डिटेल्स सामने आए हैं। आईफोन 12 पे अब आपको एप्पल के तरफ से आने वाला A14 बायोनिक चिप मिलेगा जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड रहेगा और आईफोन 12 प्रो 5G भी रहेगा। 120 हर्ट्स के डिस्प्ले के साथ आएगा और USB टाइप सी के साथ आएगा। फाइनली लाइटनिंग पोर्ट हट जाएगा। JTE का नूबिया जो है, रेड मैजिक के नाम से भी आता है, रेड मैजिक नूबिया, JTE नूबिया, तो नूबिया प्ले 5G फोन लॉन्च होने वाला है 144 हर्ट्स के साथ। इसमें 5,100 mAh की बैटरी रहेगी, स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर रहेगा, एमोलेड डिस्प्ले रहेगा इस पे। सैमसंग का गैलेक्सी Z फ्लिप 5G फोन जो है ये 256 GB स्टोरेज के साथ आने वाला है। सैमसंग ने कहा है पागल हम हैं और पूरी दुनिया को पागल करेंगे। वो इसलिए क्योंकि सैमसंग ने पहले 64 MP कैमरा बनाया, फिर उसको लगा कि नहीं भाई अब हम 108 MP कैमरा बनाते हैं। अब सैमसंग बोलता है कि चलो छोड़ो भाई, हम 500-600 MP का ही कैमरा बना के निकाल देते हैं मार्केट पे, ताकि है लोगों को बेवकूफ बना ले और 2-3 करोड़ उनसे हड़प ले। LG का वेलवेट ड्वेल स्क्रीन वाला जो फोन है, यानी कि LG का जो वेलवेट वाला फोन है उसमें ड्वेल स्क्रीन वाला कुछ कॉन्सेप्ट आ सकता है। कुछ सर्टिफिकेशन पेज पे इसे स्पॉट किया गया है कि सेकंड डिस्प्ले आपको बैक कवर जैसे फ्लिप कवर टाइप के पैटर्न पे मिल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फीडबैक्स दीजिए कमेंट सेक्शन पे और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाता हूँ। थैंक यू।